हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आ गई है हमारी छोले भटूरे की प्लेट। कुछ ज़्यादा ऑयल महसूस नहीं हो रहा हाथ में, बिल्कुल एकदम ड्राई जैसा लग। अरे वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ठीक है। देखिए, मैंने बोला नहीं था, उन्होंने अपने आप से बोला है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। थैंक यू सो मच मैम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षित शर्मा। एंड फ्रेंड्स, आज मैं हूँ करोल बाग में, और करोल बाग में हूँ मैं तो इस वक्त मैं फ्रेंड्स आया हूँ ओम कॉर्नर पे, और आज हम यहाँ पर छोले भटूरे खाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि छोले भटूरे की प्रेपरेशन क्या है, टेस्ट क्या है, और क्या प्राइस है, और क्या क्या यहाँ पर जो है फेमस चीज़ें मिलती हैं खाने को। तो अभी आज हम ये सब टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आ गई है हमारी छोले भटूरे की प्लेट, और देखने में बहुत यमी लग रही है फ्रेंड्स, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और ट्राई करके देखेंगे कि इसका वाकई में क्या मज़ा है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आ गई है हमारी छोले भटूरे की प्लेट। और फ्रेंड्स ऑनेस्टली ना, मैंने यहाँ के बारे में बहुत तारीफ़ सुनी थी कि ओम कॉर्नर जाइए, वहाँ के छोले भटूरे खाइए, और करोल बाग में है ये, और आज मैं करोल बाग आया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसको ना हम टेस्ट करके देखते हैं, और देखते हैं वाकई जो इसमें जो है वो बात है, इसका जायका कैसा है, क्या इसका टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों भटूरे जो हैं एकदम, और काफ़ी जो भटूरा है ना फ्रेंड्स, मुझे तोड़ने पे कुछ ज़्यादा ऑयल महसूस नहीं हो रहा हाथ में, बिल्कुल एकदम ड्राई जैसा लग रहा है। और ये छोले जो हैं एकदम थिक हैं, टेस्टी लग रहे हैं काफ़ी। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। अरे वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। छोले एकदम टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल छोले हैं फ्रेंड्स, हलवाई स्टाइल, लॉट ऑफ फ्लेवर्स बात करें तो। बिल्कुल कंट्रोल मसाले हैं, ज़्यादा तीखा नहीं है। और फ्रेंड्स बहुत जो है अमचूर का मुझे काफ़ी टेस्ट आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। फ्रेंड्स अगर आप नहीं आए हैं ना यहाँ पर, तो आप ज़रूर आइए। अगर आप करोल बाग में हैं तो आपका 100% आना यहाँ बनता है। ये है गाइस ओम कॉर्नर,
के छोले भटूरे जो कि बहुत यमी लग रहे हैं फ्रेंड्स, खाता जा रहा हूँ मैं तो। साथ में गाजर का अचार दिया है, अनियन दिए है, अमेजिंग मील। थोड़े प्याज के साथ भी छोले खा के देखते हैं। अनियन के साथ खाइए फ्रेंड्स, और अच्छा टेस्ट आ रहा है। गाजर का अचार भी है साथ में, और ये है हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो साथ में हरी मिर्च भी खा सकते हैं। छोले में ज़्यादा मिर्च नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कंट्रोल्ड मसाले हैं, बच्चा भी खा सकता है, मतलब इतने कंट्रोल्ड मिर्ची है, ज़्यादा मिर्ची नहीं है। बहुत बढ़िया। हाय गाइस, वेलकम बैक। और हमारा खाना हो गया है और हमने बहुत इन्जॉय किया, और मेरे साथ मैम है अभी, तो चलिए मैम से बातें करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है, आई एम डूइंग जॉब। और हाय गाइस, ये हमारा जो होम कॉर्नर है 50 ईयर, मतलब उससे भी ज़्यादा पुराना है। अरे वाह। और मतलब आप देख ही रहे हो यहाँ पर, और ये जो क्या बोलते हैं, शूट करना है, इनको भी पता है कि यहाँ का टेस्ट और इनकी क्वालिटी बेस्ट है हमारी जी। और क्या बोलते हैं, 50 साल पुराना है जैसे कि ये 50 ईयर्स, या वाओ 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। अच्छा। एंड कस्टमर जानते हैं कि यहाँ का टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, अंदर जो पुराने कस्टमर्स है वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। अच्छा। हाँ, तो बस यही है कि 50 ईयर पुराना है, यही सी क्वालिटी है। तो क्या स्पेशल है, मतलब अगर क्वालिटी की बात करें तो ऐसा क्या आप मसाला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मसाला सबसे बड़ी क्वालिटी तो हमारा ये कि हमारे छोलों में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं है, जो कस्टमर यही चाहता है। जो कस्टमर को चाहिए, कि मोस्टली कस्टमर आते हैं तो हमसे यही पूछते हैं कि मैम इसमें लहसुन प्याज है? जो प्याज सिर्फ आप सैलेड में देते हैं? वो सैलेड में, हमारे प्याज बस सैलेड में है प्याज। और भटूरे भी, मतलब मैंने देखा कि उसमें बहुत कम ऑयल था, मतलब ऐसा लग रहा था क्रिस्पी रहते हैं। और भटूरे हमारे स्पेशल होते हैं, पिट्ठी की स्टफिंग होती है उसके अंदर तो इसलिए क्रिस्पी रहते हैं भटूरे हमारे, ऑयली नहीं रहते हैं भटूरे, इसलिए कस्टमर ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। इवन कस्टमर हमसे बोलते भी हैं कि आपके जो भटूरे हैं वो मतलब क्रिस्पी होते हैं और ऑयलिंग नहीं होते, इसलिए स्पेशली वो यहाँ खाने भी आते हैं। और हमारा तो ये भी कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, वो गाजियाबाद जा चुके हैं या बहुत दूर दूर शिफ्ट हो गए हैं, वो इतने किलोमीटर यहाँ आते हैं स्पेशली हमारे भटूरे खाने के लिए आते हैं फ्रेंड्स हमारे स्पेशली। तो आप भी ज़रूर आइए, मैं भी रिकमेंड करता हूँ। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? व्यूअर से तो मैं यही कहूँगी कि एक बार आप आओ, टेस्ट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और ठीक है, देखिए मैंने बोला नहीं था, उन्होंने अपने आप से बोला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू सो मच मैम। और फ्रेंड्स बहुत इन्जॉय किया हमने आज, और मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं। आइए यहाँ पर करोल बाग में, आप स्पेशली आइए। और अगर करोल बाग में हैं, अगर आप काम से आते हैं तो प्लीज़ डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ के भटूरे बहुत अच्छे हैं, प्राइसिंग जो है बड़ी जेन्युइन है, और आप यहाँ पर बहुत इन्जॉय करके आएंगे। परफेक्ट एकदम फैमिली डेस्टिनेशन है। तो चीयर्स गाइस, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल राइट, हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और बहुत इन्जॉय किया हमने आज, छोले भटूरे बहुत ऑसम थे। और फ्रेंड्स आज मैं करोल बाग आया हूँ तो और भी ब्लॉग्स करूँगा, फूड ब्लॉग्स करने वाले हैं आज हम। तो चलते हैं किसी और ईटरी पे अब। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स अगर आप कचौड़ी खाने के शौकीन हैं, कचौड़ी खाना आपको बहुत पसंद है, तो ऊपर एक आई बटन है उसको दबाइए और वीडियो देखिए। शक्ति नगर पे फूड ब्लॉग बनाया था हमने शर्मा कचौड़ी पे, और फ्रेंड्स आप चैनल पे जाइए और वहाँ पर मेरे और फूड ब्लॉग्स हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, वो देखिए फ्रेंड्स, इन्जॉय करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर।